Hey guys, welcome back to my channel Priyanka's Corner. So today I'm going to share with you all a sweet dish that is atta ka halwa. Here are our ingredients already. So at first we have took a bowl of atta, elaichi powder, ghee and some nuts, kaju, almond, pista. आप लोग मेजरमेंट ठीक रखिएगा. अगर आप लोग एक कप या फिर एक बाउल आटा ले रहे हो तो उसी मेजरमेंट में आप लोग घी और सेम मेजरमेंट में चीनी सब इक्वल लेना है. सो लेट्स गेट स्टार्ट. सो एट फर्स्ट मैं ले रही हूँ घी. घी अगर थोड़ा कम होगा ना फिर क्या होगा, आटा लग जाएगा, इसलिए घी बराबर लीजिएगा. घी देने में कंजूसी भी मत कीजिएगा, थोड़ा खाइए बट टेस्टी होना चाहिए हलवा. तो अभी मैं दे रही हूँ आटा. आप लोग कैसे भी मेजरमेंट ले सकते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है. मैंने इस बाउल में लिया तो आप लोग को वैसे लेना है, इसका कोई परफेक्ट मेजरमेंट मैंने नहीं दिया है. बस आप लोग ये ध्यान रखिएगा अगर आप लोग एक कटोरी या फिर एक कप आटा ले रहे हो तो उसी कप में आप लोग घी लीजिए और उसी कप में आप लोग चीनी लीजिए, ठीक है. अच्छे से धीमे आंच पे चलाते रहिए. इसको गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से चला लीजिए. इसको पूरा गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छा से पकाना है और स्टीम को लो रखिएगा, नहीं तो जल जा सकता है. जब तक ये हो रहा है हम लोग चीनी का प्रिपरेशन करते हैं. चीनी को कैसे डालना है, तो मैं इसको शिफ्ट कर दे रही हूँ दूसरे गैस पे. फिर मैं दिखाने वाली हूँ आप लोगों को चीनी. जिस बाउल में हम लोग ने आटा लिया था उसी बाउल में मैं अभी लेने वाली हूँ चीनी. देखिए, और इसी कप में आप लोगों को तीन बार पानी लेना है. इसका शीरा नहीं बनाना है आप लोगों को, बस चीनी को मेल्ट करना है इसमें. इसको होने दीजिए, तब तक हम लोग हलवा का हाल देख लेते हैं एक बार, आटा का क्या हाल है. देखिए बहुत अच्छा सैंड निकला है. अभी तक ये हम लोग का पूरा पूरी गोल्डन ब्राउन नहीं हुआ है, इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होना होगा. उसके बाद में जो चीनी का हम लोग बना रहे हैं पानी उसको ऐड करेंगे. आप लोगों को चीनी का पानी में बस एक बॉयल लाना है और कुछ नहीं करना है. देखिए चीनी मेल्ट हुआ है कि नहीं, और बस एक बॉयल लाना है आप लोगों को. मेरा चीनी अभी तक पूरा पूरी मेल्ट नहीं हुआ है. ये देखिए बॉयल आ गया हम लोगों का, दिख रहा है आप लोगों को. और मैं गैस बंद कर दे रही हूँ. थोड़ा सा ब्राउनिश हो चुका है ये, बट हम लोग को और थोड़ा ब्राउन करना है इसको. देखिए गाइस ये बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है अभी. अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे पानी. और रुकिए मत, कंटिन्यूस इसको चलाते रहिए. देखिए कितना अच्छा से ये हो गया. देखिए थोड़ा सा भी नहीं चिपक रहा है. देखिए देख रहे हैं, थोड़ा सा भी नहीं चिपक रहा है.
लोग को इसको थोड़ा सा और करना होगा। अभी हम लोग इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर। एलमंड पिस्ता काजू उसको अच्छे से फिर से हम लोग चला लेगा। ये बहुत इजी रेसिपी है गाइस, और आप लोग को ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं चाहिए। जो भी हम लोग के घर पे पड़ा रहता है, जैसे आटा हो गया, घी, चीनी, सबके घर पे रहता है। आप लोग इजीली इसको शाम को बनाइए, खाइए, और बहुत टेस्टी भी होता है। और ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है एज़ कम्पेयर टू मूंग दाल का हलवा या फिर चना दाल का हलवा। वो सब में हम लोग को और थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए होता है और ज़्यादा घी चाहिए होता है। तो एज़ कम्पेयर टू बाकी हलवा में से इसमें थोड़ा घी भी कम लगता है, और अच्छा भी होता है, खाने में भी टेस्टी होता है। देखिए मेरा हलवा ये पूरा पूरी रेडी हो चुका है, और मैं इसको सर्व कर ले रही हूँ एक बाउल में। देख कलर भी कितना अच्छा है। आप लोग प्लीज़ इसको ट्राई करो, और मेरे वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, मुझे बताओ आप लोगों को कैसा लग रहा है मेरे वीडियोस। और जो लोग नए हैं मेरे चैनल में, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। देखिए मैंने हम लोग का हलवा जो था उसको मैंने एक बाउल में उतार लिया है। अब मैं इसको थोड़ा गार्निश कर देती हूँ आलमंड। और मैं बहुत जल्द रसगुल्ला मीन्स रसगुल्ला का रेसिपी लेके आने वाली हूँ, तो जो भी रसगुल्ला लवर्स है ज़रूर उसको वॉच करिए, और बहुत इजी रेसिपी है। लग रहा है ना बहुत डिलीशियस, और खाने में भी उतना ही डिलीशियस होगा। सो आप लोग प्लीज़ इसको ट्राई करो, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ आप लोग को कैसा लग रहा है। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you for watching.